भाई, WWE क्लैश एट द कास्टल के बाद WWE का ये पहला एपिसोड था रॉ का। इसमें हमें काफी कुछ देखने को मिला। इसमें मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्टमैन की वापसी देखने को मिली। हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं समाग्रम। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो इस शो की शुरुआत एज के सेगमेंट की हुई, जिसमें उन्होंने डोमिनिक द्वारा किए गए हमले को बताया। डोमिनिक को पीटने की बात कही उन्होंने। फिर रिंग में रेय मिस्टीरियो ने एंट्री की और अपने बेटे की तरफ से एज से माफी मांगी। फिर जब रिया रिपली के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो ने एंट्री की, तब एक वो अलग लुक के साथ नजर आए। रिया ने बताया कि उन्होंने डोमिनिक को एक असली इंसान बनाया। फिर रेय मिस्टीरियो निराश होकर बैकस्टेज चले गए। बाद में फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट ने आकर पीछे से एज पर हमला कर दिया। वहीं डोमिनिक और रिया रिपली ने एज को बचाने के लिए वापस आ रहे रेय मिस्टीरियो पर हमला किया। अब डोमिनिक ने जजमेंट डे को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। रॉ में इस हफ्ते डोमिनिक ने डेमियन प्रीस्ट को अपने पिता रेय मिस्टीरियो के खिलाफ जीत दिलाने में भी मदद की। इसके बाद रॉ के एपिसोड में स्ट्रीट प्रॉफिट्स, द न्यू डे, अल्फा एकेडमी और लॉस लोथारियस के बीच फैटल फोर वे टैग टीम मैच देखने को मिला। इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अचानक से एंट्री की और जो भी स्ट्रोमैन के सामने आया उन्होंने उसे बुरी तरीके से धो दिया। इस बीच उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बुरी तरीके से पीटा। स्ट्रोमैन को इस दौरान फैंस की तरफ से जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिला। फैंस उनके रिटर्न से बहुत ज्यादा खुश नजर आए। बाद में एक बैकस्टेज सेगमेंट में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस हफ्ते होने वाले स्मैकडाउन में आने की भी बात कही। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस सुपरस्टार के साथ सबसे पहले फ्यूड में नजर आते हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं ऑस्टिन थ्योरी। क्लैश एट द कास्टल में मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैशन करने में नाकामयाब हो गए थे। इसकी वजह से वो काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने टायसन फ्यूरी पर अपने ऊपर पड़े पंच पर नाराजगी जताई। थ्योरी ने बताया कि वो भविष्य में चैंपियन जरूर बनेंगे, लेकिन फिर केविन ओवंस की एंट्री हुई और उन्होंने आकर ऑस्टिन थ्योरी की बेइज्जती की। इसके बाद हमें केविन ओवंस वर्सेज ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच देखने को मिला। ये मैच जबरदस्त एक्शन के साथ देखने को मिला, जहाँ ओवंस ने थ्योरी पर शानदार मूव्स का जमावड़ा खड़ा कर दिया। थ्योरी ने भी कई बार इस मैच में अच्छी फाइट की, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ने जीतने की भी काफी कोशिश करी, लेकिन केविन ओवंस ने थ्योरी पर स्टनर लगाकर पिन करके मैच जीत लिया। तो वह शो के मेन इवेंट में हमें बॉबी लेशले वर्सेस द मिस का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए स्टील केज मैच देखने को मिला। इस मैच के शुरू होने से पहले मिज ने लेशले से टाइटल लिया और लेशले पर अटैक कर दिया। तब टोमेसो चेम्पा ने बॉबी लेशले को रिंग से के बाहर से खींचा। फिर मिज के साथ मिलकर उन्होंने बॉबी लेशले पर जोरदार हमला किया। बाद में जब मैच शुरू हुआ तो मिज ने केज से बाहर निकलने की खूब कोशिश की। इस दौरान चेम्पा ने बाहर से भी मिज की मदद करने की खूब कोशिश की। मैच के लास्ट में द मिज केज पर चढ़कर नीचे आने ही वाले थे, तभी डेक्सटर ल्यूमिस रिंग के नीचे से नजर आए। इसी वजह से मिज डरकर वापस रिंग में चले गए और फिर बॉबी लेशले ने उन पर एक स्पियर लगाया और पिन करके मैच जीत लिया। फिर डेक्सटर ल्यूमिस रिंग में आए और बॉबी लेशले ने बाहर से स्टील केज का गेट बंद कर दिया। फिर डेक्सटर ल्यूमिस ने मिज को अपना फिनिशिंग मूव लगाया और फिर मिज बेहोश होते हुए दिखाई दिए। तो गाइज, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इसी तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग समाग्राम। थैंक यू।